मुझे मारपुर में जाकर युवा सभा के जो युवा है वो भाइयों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, हमारे भाइयों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, देशभक्तों को रिहा करो, देशभक्तों को रिहा करो, देशभक्तों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, देशभक्तों को रिहा करो, देशभक्तों को रिहा करो, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, अजी प्रशासन हो, अजी प्रशासन हाय हाय, 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 जम्मू एकता जिंदाबाद, 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 अजी प्रशासन हाय हाय, अजी प्रशासन हाय हाय, देशभक्तों को रिहा करो, देशभक्तों को रिहा करो, देशभक्तों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, हमारे भाइयों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, युवा रायपुर सभा जिंदाबाद, युवा रायपुर सभा जिंदाबाद, युवा रायपुर सभा जिंदाबाद, युवा रायपुर सभा जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, हमारे भाइयों को रिहा करो, हमारे भाइयों को रिहा करो। ये जो आज का प्रदर्शन जो हमारा है, ये सरौल के अंदर जो टोल जो काटा जा रहा है इल्लीगल तरीके से, वहां की रोड कंप्लीट नहीं है, वहां का जो आय जाई है वो जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, लेकिन वहां का जो टोल काटा जा रहा है, इस चीज की आवाज उठाने के लिए युवा राजपूत सभा ने जब आवाज उठाई इस चीज को लेकर और उनकी आवाज को दबाने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, एलजी की गुंडागर्दी के द्वारा। आखिर हम लोग इस चीज को कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम लोगों ने 23 सितंबर की छुट्टी ली, वो भी हमने जदोजहद करके जगह जगह रोड पे प्रदर्शन किए गए, हर जगह हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया, स्टेट लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। यार आखिर डोगरा लोग एक शांति प्रिय लोग है, एलजी प्रशासन ये आप इसको जब तक इसको शांत रखोगे तो शांत रहेगा, जब आप भटका दोगे तो इसको आप रोक नहीं पाओगे इसको। ठीक उसी प्रकार अब टोल की बात आई है तो यहाँ पर भी यही चीजें देखने को मिल रही है। आखिर हर चीज हमें प्रदर्शन करके हमें लड़के हमें वो चीज हासिल होगी। और चेतावनी दे देता हूँ एलजी मनोज सिन्हा जी कि ये सिर्फ एक छोटा सा आपको ट्रेलर दिखाया गया है रजिस्टर राजौरी की तरफ से। अगर ये हमारे जो नौजवान हैं ये अगर आप नहीं छोड़ते हो और साथ में जो हमारी बाबा बुढ़ा मनाथ जी जो यात्रा चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया था कि हम एक छोटा सा पीसफुली हम जो प्रोटेस्ट जो रखेंगे, अदरवाइज जैसा ये पूरा बाबा बुढ़ा मनाथ जी की यात्रा हमारी खत्म होती है तुरंत उसके बाद जम्मू चलो की एक कॉल दी जाए। देखो जैसे कि हम आपने देखा कि इन्होंने एलजी प्रशासन की गुंडागर्दी ने वो जो युवा राजपूत सभा के हमारे लड़के गए हैं वहाँ पे, इन्होंने क्या किया उनको धोखे से डिटेंशन करके रखा हुआ है। क्या क्या वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिलिटेंसी के फिला रहे हैं क्या? इसलिए गए आम लोगों के लिए गए कहाँ के टोल प्लाजा के लिए कि आप सरोर का टोल प्लाजा तब तक बंद करो जब तक रोड आपकी ठीक नहीं होती। लेकिन एलजी प्रशासन अपनी गुंडागर्दी पर उतरा हुआ है, वो क्या कर रहा है स्मार्ट मीटर देख लो आप, कुछ भी है जम्मू में मतलब अपने गुंडागर्दी के तौर पर वहाँ पर कर रहा है। इसलिए अभी हमारी चेतावनी एलजी प्रशासन को, अगर इस बार वो हमारे लड़कों को नहीं छोड़ते तो हमने नेक्स्ट टाइम हमने प्लाजा जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, अब क्या लगता है इलेक्शन आने वाला है तभी सुर्खियों में है? सर बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये इलेक्शन आने वाले हैं आगे तो अभी तक तो हमारे जितने भी नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, जितने भी नेता हैं सब मुंह में देंज मार के बैठे हुए हैं। कहाँ गए हमारे डोगरा जो नेता थे अपने जम्मू के, क्यों नहीं आज कोई बोल रहा? ये जब इलेक्शन आएंगे ये तभी बोलेंगे, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ आप होश में आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आपका, ये तो जनता अब इलेक्शन आने वाले हैं आपको बहुत अच्छा जवाब देने वाली है। चौधरी लाल सिंह लगातार कटाक्ष कर रहे हैं वो दिल्ली मीडिया में, बिल्कुल बिल्कुल, डोगरा का एक ही लीडर है जो मैं देख रहा हूँ अभी इस टाइम एक्टिव है कौन, चौधरी लाल सिंह, वो अभी तक चल रहे हैं, वो अभी बोल रहे हैं हमारे फेवर में कर रहे हैं, बाकी कोई सभी जो लीडर कोई भी किसी भी पार्टी का सभी मुंह में देंज मार के बैठे हुए हैं,
वक्त आने पे चलो इनको इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। तो रमन बल्ला के बेटे भी ग्राउंड पे उतरे हैं, क्या वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए है या कहीं कहीं ना कहीं स्पोर्ट है वो राजपूत सभा की? मैं तो इतना नहीं बोलूंगा इस बारे में, इतना नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा जितनी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजपूत सभा की आड़ लेके आप अपनी रोटियां मत